सिलेंडर महंगा, लकड़ी चूल्हा जलाने के काम आएगी। जेपी नड्डा की सभा के बाद होर्डिंग्स उखाड़ ले गए थे कुछ लोग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर में जनसभा थी। सभा के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग्स में लाखों खर्च किए थे, लेकिन सभा में पहुंचे कुछ लोग ये कहते हुए इन होर्डिंग्स को उखाड़कर ले गए कि ये उनके चूल्हे में जलाने के लिए काम आएंगे, क्योंकि सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा हैं। यूपी के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इसमें बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगवाए थे जिन पर बड़ी राशि खर्च की गई थी। जनसभा खत्म होने के बाद कुछ लोग इन होर्डिंग्स को उखाड़ते नजर आए। वहां मौजूद महिला का कहना था, मजदूर आदमी है, किराए के मकान में रहते हैं, सिलेंडर 1000 रुपये है, महंगा है, इसलिए उसे भरवा नहीं सकते। कुछ और महिलाएं भी होर्डिंग से लकड़ी निकालती हुई नजर आई। जब इनसे पूछा गया कि ये लकड़ी क्यों लेकर जा रही हैं, तो उन्होंने बताया सिलेंडर बहुत महंगा है, इसे हम दोबारा नहीं भरवा सकते, कुछ यहाँ से सहारा हो जाएगा, ये लकड़ी घर में खाना बनाने के काम आएगी क्योंकि इससे चूल्हा जलेगा।